हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके बिहार पुलिस एग्जाम का जो रिजल्ट आउट हुआ है लास्ट डेट में। तो दोस्तों, उसके फिजिकल डेट के बारे में जानेंगे और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं इस एग्जाम को, कि सर आखिरकार हमारा फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा यदि आपके फिजिकल डेट आ गई और आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो मोर देन वहां पर कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत ज्यादा बंदे छटने हैं, स्टूडेंट्स अलग होने हैं। तो बस दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी हर एक कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और क्या क्या आपको बनवाना जरूरी है। यहाँ पर हम एक विशेष डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि विशेष कैटेगरी के लिए है और अभी अभी लगने लगा है, तो दोस्तों इसको भी हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, यदि आपके भी बिहार पुलिस में अधिकतम मार्क्स थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, सर मेरे 80 हैं, मेरे 89 हैं, कोई बोल रहा है 72 है, कोई 74 कह रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप RTI जरूर लगाइए। जैसे कि मैं RTI लगा भी रहा हूँ, बहुत से कैंडिडेट की लगा चुका हूँ। तो यदि आप RTI लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे हम आपकी। आप जाइए उस लिंक पर और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके समक्ष एक लिंक आएगी, आप उसको ओपन करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे, हम आपकी RTI फिल कर देंगे। ओके, तो आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक दी है, जरूर लगाएं, इतना आपका अधिकार है, आपने इतनी मेहनत की है तो आपका इतना जानना तो बनता है कि आखिरकार मेरे मार्क्स आए हैं तो कितने। हालांकि दोस्तों, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, खुलासा होगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है पूर्व प्रूफ के साथ कि नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है इसके लिए अभी टाइम लग जाएगा, तब तक के लिए आप RTI जरूर लगाएं, RTI से आपको पता चल ही जाएगा कि आखिरकार आपके कितने मार्क्स आए थे। ओके दोस्तों, और आपके पास ना होने का रीजन भी आपको बाकायदा बता दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स को कि आखिरकार आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की कि आखिरकार बिहार पुलिस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप लोगों के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फिजिकल के टाइम। हालांकि दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक टाइम नहीं होता, दो दो तीन तीन बार होता है, लेकिन सबसे पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं वो बताने वाला हूं आपको, है ना, जो कि आपके फिजिकल के टाइम लगेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या है, 10th क्लास की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग पे मिस्टेक नहीं रहना क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी बहुत हो जाती है, बट आपकी यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले मार्कशीट लगेगी आप लोगों की। जी हाँ दोस्तों, और मार्कशीट में आपको क्या करना है, आप लोगों को अपनी डेट मैच कर लेनी है कि आप लोगों की डेट वही है जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे लगाई थी या फिर भरी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट ही रहती है आपकी जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करते हैं वो। यदि यहाँ पे मैच नहीं हो रही आपके एप्लीकेशन की डेट और आपने मतलब कि आपने एप्लीकेशन में जो डेट ऑफ बर्थ फिल की है वो और आपके यहाँ पर मार्कशीट 10th क्लास में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो, तो दोस्तों आप डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हुआ कि 10th क्लास की मार्कशीट, आई थिंक आप लोगों ने 10th की मार्कशीट लगाई होगी, इससे ज्यादा नहीं लगाई होगी क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 10th बेसेज है। लेकिन यदि आपके पास और भी कोई हायर एजुकेशन मार्कशीट वगैरह है जो आपने लगाई हो तो उनको भी कंप्लीट कर लेना, वो भी वहां पे मांगी जाएंगी। ओके, इसके बाद आता है क्या, सेकंड। तो दोस्तों, आप सेकंड देख पा रहे होंगे आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी ले जाना है वहां पर। वो ओनली यहाँ पर सर्टिफिकेट में आपकी डेट वगैरह देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको दोनों ही चीजें वहां पर ले जाना जरूरी है, वहां पे मांगा जाता है। आप सर दो डॉक्यूमेंट्स होगा, इसके बाद क्या और लगेगा। तो दोस्तों, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर मेरा जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्योंकि आपकी जो 10th की मार्कशीट रहती है, आप लोगों का जो 10th का सर्टिफिकेट रहता है, इसी में हर एक चीज मैच हो जाती है, मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है इसी से प्रमाणित हो जाता है, तो फिर आपको वहां पर आपका जन्म प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हो गए दो डॉक्यूमेंट्स, अब तीसरा क्या लगेगा। तो दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपका आधार कार्ड लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो अपना आईडी के रूम में आपने एप्लीकेशन के वक्त जो
लगाया था वही लगेगा, मतलब यदि आपने पैन कार्ड लगाया था तो वो लगेगा, यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था तो वो लगेगा, यदि आपने आधार कार्ड लगाया था तो वो लगेगा। हालांकि आधार कार्ड दोस्तों ले जाना ही क्योंकि आजकल कंपलसरी हो गया हर एक चीज में, और आई थिंक आप लोगों ने 99% स्टूडेंट ने आधार कार्ड ही लगाया होगा। तो दोस्तों आधार कार्ड जरूर ले जाइए ओरिजिनल, ओके। चलिए हो गए तीन डॉक्यूमेंट्स, आप चौथा कौन सा लगेगा हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, बात करते हैं हम जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों आप यहाँ पे मिस्टेक्स पे मत जाइएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं टाइप करते वक्त, बट आप लोगों का यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ओके। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र SC ST आपके EBC BC OBC इनके लिए अनिवार्य रहता है, ना कि UR वालों के लिए। यदि आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है जाति प्रमाण पत्र की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य ये होता है कि आप लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है 10%, 5%, 15% वहां पर आपकी जाति देखकर दिया जाता है। अब यूआर वालों को कोई आरक्षण नहीं मिलता तो दोस्तों उनको सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं। हालांकि यदि आप किससे बिलोंग करते हैं, EWS से, जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग यदि एक नई जाति आपकी जो EWS बन गई है, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग में आने लगे हैं, जी हाँ दोस्तों आर्थिक रूप से, तो दोस्तों उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब वो यूआर वाले ही होते हैं लेकिन उनको वो सर्टिफिकेट लगाना होगा EWS का, तो दोस्तों वो जरूर ले जाइएगा क्योंकि उसके बगैर आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला, ओके। तो यही मैं बोल रहा था कि आपको एक नया सर्टिफिकेट जरूर बनवाना होगा, वो है EWS का। यदि आपने उससे भरा है तो आपको वो सर्टिफिकेट ले जाना होगा, वो लगेगा तभी आपको आरक्षण मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बात कर ली कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको उसका, आप जिस कॉस्ट से बिलोंग करते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। आप देखते हैं और क्या लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके कॉस्ट सर्टिफिकेट के बाद नंबर आता है किसका, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, या यूं कहें कि मूल निवासी प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना स्थानीय निवासी, आवासीय निवासी, या यूं कहें मूल निवासी प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अभी आप बनवा लीजिएगा क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें, आप इन डॉक्यूमेंट्स को बेहद सावधानी पूर्वक बनवाएं, कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डायरेक्टली वो आपको अलग कर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो दोस्तों आपका अगला डॉक्यूमेंट से क्या आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपका डॉक्यूमेंट से एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे जी क्या चीज है सर, तो दोस्तों आपको बता दें, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड के साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको ले जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और वहां पे वो चेक किया जाता है। अभी तक दरोगा में किया गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आपको मिलेगा, तो आपको ले जाना है। हालांकि उसी टाइम की टेंशन है, अभी से पालने की जरूरत नहीं है, ना ही अभी बनेगा, ओके। तो दोस्तों ये आपको मिलेगा, ये आपको उसी टाइम पे ले जाना होगा। अब इसके बाद और क्या लगेगा सर, तो देखो दोस्तों नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है क्या, आपका पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ दोस्तों, आपको 4 पासपोर्ट साइज की फोटो ले जानी होगी, जो कि आपको वहां पर रंगीन होनी चाहिए और उसी टाइम की होनी चाहिए, मतलब जिस टाइम पे आपका फिजिकल हो रहा है उसके आप करीबन 10 से 15 दिन पहले की लगा सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वन बाय वन करके हर एक चीज को जाना कि आखिरकार आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बिहार पुलिस के वेरिफिकेशन में लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेंगे फिजिकल के टाइम। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कुछ चेंजेज आते हैं, जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपको उसमें भी बताया जाएगा, तो दोस्तों आप उसको भी देख लेना उस टाइम पे, और मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि अभी तक जो लगे हैं और जैसे जैसे आप लोगों के निर्देश हैं वैसे वैसे मैंने आपको हर एक चीज बताई। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपके जो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे तैयार रख लेना। अब दोस्तों मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरा तो कैटेगरी ही चेंज हो गया था एप्लीकेशन करते वक्त, मतलब कि अप्लाई करते वक्त। तो दोस्तों यदि आपका कैटेगरी चेंज हो गया तो फिर यदि आप EWS या फिर यूं कहें कि EBC से बिलोंग करते हैं और आप हैं जनरल, मतलब है जनरल वाले हैं, और आपने EBC डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो आप पास हो रहे, तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे डेफिनेटली, इसका कोई उपाय नहीं है, ना ही कुछ हो सकता है। और कमेंट आते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम थोड़ा बहुत टाइम देते हैं वो बनवाने के लिए, तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता है उसी टाइम पे, मतलब कि 2 से 3 दिन का वो टाइम दे सकते हैं जो कैंडिडेट बताते हैं कि हाँ दिया है, लेकिन आप ऐसा सोचें ही ना कि आपको टाइम मिलेगा। अभी से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लें, ये समझें कि टाइम मिलता ही नहीं है। वो तो ऐसा है कि हाँ बहुत इमरजेंसी में 2 से 3 दिन का टाइम दे देते हैं जब तक कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, मैंने हर एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश की है इमेजेस के थ्रू।
फिर भी आपको अभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट्स करें, हम कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। और आरटीआई लगाना चाहते हैं, अपने मार्क्स चेक करना चाहते हैं, तो आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, मैं आपका आरटीआई बाकायदा अच्छे से फिल कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।